सबों से सपोर्ट मांगते हैं, वहां लोकल हमारी यूनिट ने सबों से सपोर्ट मांगा है, बनारस में रहने वाले कौमी एकता दल के लोग हों वो, कांग्रेस के लोग हों वो, दूसरी पार्टियों के लोग हों वो, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो किसी पार्टी से अटैच नहीं है वो, हम सबों से सपोर्ट मांगते हैं और हमारी पार्टी बनारस में मांगती है और देश में भी मांगते हैं, और कोई हमको सपोर्ट करता है तो ये उन्होंने अपने सोच समझ के हमारे कैंडिडेट को, और वोटर हम देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिकता पर लगाम लगाने के लिए हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं। हम सबसे अपील करते हैं कि वो उनसे जो पहले सपा को वोट देते थे पिछले इलेक्शन में, जिन्होंने बसपा को वोट दिया है, उनसे भी अपील करते हैं कि जो पहले दिया आज हमको दीजिए। जो इंजेक्शन है वो नहीं है, उनके यहाँ है तो थोड़ा आपको ज्यादा राय बरेली और अमेठी में हमारा कैंपेन करती है, गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, वहां जो उन्होंने कहा वहां से बाहर उन्होंने कैंपेन नहीं किया है, वहां जो उन्होंने बातें कही हैं वो मीडिया ने उसको पूरे देश में दुनिया में फैलाया है। अपने को उन्हीं दो क्षेत्रों में सीमित रखने का फैसला प्रियंका जी का अपना है, तो ये हम लोग बार बार आपको बता चुके हैं। आई थिंक दे हैव कंप्लेन टू इलेक्शन कमीशन, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ हैबिचुअल और सीरियल ऑफेंडर ऑफ वायलेटिंग द मोटर कोड ऑफ कंडक्ट, ही रिलीज मैनिफेस्टो ऑन द 7th डे ऑफ पोलिंग, ही फाइल्ड हिज नॉमिनेशन ऑन द डे ऑफ पोलिंग एंड टुडे ही हैज शोन हिज पार्टी सिंबल ड्यूरिंग द वोटिंग बिकॉज मीन दैट ही वॉज कैंपेनिंग after the period of campaign was over, so he is a serial offender of modern code of conduct.